कि भले ही कुकियों का और हमला मेतई की तरफ, मेतई का हमला कुकियों की तरफ हो रहा हो, लेकिन नुकसान मणिपुर का है। इससे भाजपा को दोबारा सत्ता में आने का मौका मिलेगा। मैं तमाम मणिपुर के नागरिकों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप भाजपा के इस जाल से बाहर निकलें। एक, मैं दूसरा देशवासियों से अपील करता हूं, आप सब लोग एक एक जगह हर तरीके से इस वीडियो को पहुंचाएं और सवाल खड़ा करें, देश के प्रधानमंत्री के लिए रेल को झंडी दिखाना जरूरी है या मणिपुर में शांति बहाली का। ये ज्योति पत्रकार जो सवाल कर रही, ये नहीं कह रही है कि हाँ पत्रकार होते हुए कि प्रधानमंत्री पाप कर रहा है मणिपुर के मामले में, साइलेंट है अभी निर्धारित नहीं कर सकते। नहीं, जब हम बोल रहे हो तो आपको उसी पर सवाल करना चाहिए। हम तो बोलिए, जब हमने कहा कि मंत्री जी का घर जला, अगर आप ये कह रहे हैं कि सोची समझी साजिश के तहत हुआ है, तो आप क्या निजी टिप्पणी करके ये कहना चाहते हैं कि मंत्री जी खुद अपना घर जलाएंगे? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, गलत समझ रहे हो। हमने कहा जितनी चाबी भरी राम ने उत्ता चले खिलौना, जितना आरएसएस बीजेपी ने तय कर रखा, उनके गुंडों ने तय कर रखा है, मणिपुर में उतनी देर तक हिंसा जारी रहे। गुंडे भी तो जिंदा होंगे। अरे भाई, अच्छा एक मिनट सुनिए, जब आपको नहीं समझ है, 37 विधायक मेतई के और 7 विधायक भाजपा में कुकी समुदाय के हैं, सबसे बड़ी मेजोरिटी भाजपा के पास है 60 MLA में से, और उसमें नागर कुकी का जो फेडरेशन है उसके विधायक भी भाजपा के साथ है। मैं जरा आपके माध्यम जानना चाहता हूं, जब विधायक उनके, मुख्यमंत्री भाजपा का, केंद्र में सरकार भाजपा की, असम रैफल को भेजा उन्होंने, BSF को भेजा उन्होंने, पुलिस उनकी, मुझे बताइए मेतई समुदाय ने जो हथियार उनको पुलिस के मिले, BSF के हथियार मिले, उन हथियारों के बाद में कहा गया कि साहब सिलेंडर कर दो। चलिए मैं आपकी एक चीज क्लियर, नहीं एक मिनट थोड़ा क्लियर, एक मिनट, रावत जी ने एक सेकंड, ये नहीं बोल रही है कि ये पाप है। देखिए साफ तौर पर मैंने पहले भी कहा, और मैंने पर्सनल तौर पर, शायद आपको पता नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि निजी एक वीडियो भी बनाया है, मणिपुर धू धू करके चल रहा है, और उसके लिए जिम्मेदार कौन? प्रधानमंत्री जी तमाम जगहों पर दौरे करते हैं, इस बीच में मणिपुर जहां जल रहा था तो वो अमेरिका में थे, उस पर भी मैंने लगातार टिप्पणी की। तो रावत जी आप शायद उन बातों से सचेत नहीं है, इसलिए आपने मुझ पर ऐसी निजी टिप्पणी। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने फिर कहा आपसे कि देश के अंदर मॉब लिंचिंग हो इस पर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलता, देश में मणिपुर जल रहा इस पर कुछ नहीं बोलता, देश में चीन ने कब्जा कर लिया इस पर कुछ नहीं बोलता, देश में करोड़ों बेरोजगार इस पर कुछ दिखता नहीं है, और देश में महंगाई में आकंठ में डूब गया, ये प्रधानमंत्री को नहीं दिखता है। महंगाई पर भी बोला है, देखिए मैं उनके लगातार भाषण सुनती रही, तो यहाँ भी एक कमी दिखाई दी। कल ही जब एक भाषण के दौरान सवाल किया गया भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से कि महंगाई पर जब हम जनता सवाल करें, तो उन्होंने सीधा, पहले तो मैंने आपको बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान और श्रीलंका को जोड़ दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको याद होगा डिजिटलाइजेशन का फायदा हमें कैसे हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले विपक्ष के समय में 300 का आप लोग रिचार्ज कराते थे, लेकिन आज प्रति व्यक्ति तकरीबन 20 GB का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि हर महीने तकरीबन 6,000 की बचत हो रही है। देखिए आपको, आपको सुनिए, टिप्पणी को अगर देखना पड़ेगा, आपको मालूम है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की सबरीना सिद्दीकी जो पत्रकार है, उसने छोटा और महत्वपूर्ण सवाल पूछा था कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसके विषय में, और पूछा था कि लोकतंत्र के विषय में, तब जो नुमाइश लगाई गई थी लोकतंत्र की, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं उसको, लड़की को ट्रोल करके, और ट्रोल करने के बाद व्हाइट हाउस की जो प्रेस सचिव है केरिन ने कहा कि जितनी जवाब दे हमारे देश की व्हाइट हाउस के शासन प्रशासन के प्रति है, उतनी ही जवाब दे इस लोकतंत्र में पत्रकारों के प्रति है। ये बात धमका करके कहा गया भारत सरकार के लिए, इससे बड़ी अपमानजनक बात क्या होगी कि यह अमेरिकी व्हाइट हाउस को बोलना पड़ा कि जिस प्रकार की लोकतंत्र की नुमाइश मोदी के द्वारा वहां लगाई गई थी, तो ये नुमाइश का भी मैं जिक्र कर रहा हूं। अभी हम जो बात कर रहे हैं, आप जीबी तक आ गई हो, मणिपुर में जो गृह युद्ध हो रहा है उसमें शांति बहाली की जिम्मेदारी किसकी है? अदालत ने कहीं नहीं कहा कि आप हिंसा कीजिए, आप कुकी समुदाय के लोगों को वहां से निकालिए। षड्यंत्र यह है, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल मीडिया को करना चाहिए, बताओ मोदी 3 मई से लेकर तुम आज तक मणिपुर के मामले में माँ क्यों नहीं बोल रहे हो, साइलेंट क्यों हो? साइलेंट होने का मुख्य कारण है, मैं दोबारा से बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, 2024 का चुनाव आना है, और 2024 की चुनाव की पटकथा के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है मणिपुर,
और मणिपुर में जैसे खरबूजे के ऊपर छुरी गिरे, छुरी के ऊपर खरबूजा, मेतेई समुदाय के लोग कुकी को और कुकी समुदाय के लोग मेतेई समुदाय की हत्या करेंगे, भाजपा के दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों विधायक भाजपा के साथ है। मैं हैरान हूँ, लेकिन एक मिनट, मैं हैरान हूँ क्या कारण है कि अभी तक वो मणिपुर के विधायक भाजपा के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से गंभीरता से कह रहा हूँ, सॉरी, 2024 के चुनाव से पहले कुकी समुदाय की, मैं यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट के नाम पर आरएसएस के गुंडे मेतेई समुदाय के मुस्लिम और दलितों की हत्या करेंगे और उनकी लाशों की नुमाइश लगा करके देश भर में भाजपा चुनावी एजेंडा तय करने जा रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहां पीवीएन जो मुख्यमंत्री है जानबूझ करके हिंसा को नहीं रोक रहे। इस बीच में तो मंत्री जी का भी घर जला। अरे मंत्री विधायक मरणासन है। अरे आप जो कह रहे हैं स्वाभाविक नहीं जला, चुन चुन करके किसका घर जलाना है, कहाँ क्या करना है, ये भीड़ जब तय हो। देखिए वहाँ पर अभी तक भाजपा के जो विधायक हैं, मैं आपके माध्यम से, नरेंद्र मोदी अमित शाह नड्डा ने अभी तक अपने जो कुकी और मेतेई विधायकों की संख्या है जो मेरी गणना के मुताबिक 44 प्लस है, 44 प्लस है, उन विधायकों की मीटिंग बुलाकर ये नहीं कहा कि आप शांति की अपील कीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी तक शांति के लिए एक शब्द नहीं कहा। शांति के लिए शब्द जाना तो बहुत दूर की बात है। मैं बधाई देना चाहता हूँ राहुल गांधी ने साहस किया, राहुल गांधी मणिपुर जाने के लिए तैयार है, पर मैं विपक्ष से कहता हूँ कि सिर्फ जाना भर नहीं और